ये नान देखने के बाद में किसको मुंह में भैया पानी नहीं आ जाएगा। आ गया ना मुंह में एकदम पानी, एकदम लचीला ये नान बन करके तैयार हुआ है। मुंबई में जब भी हम कहीं शादी में जाते हैं तो टेबल पर यही वाला नान आता है। तो आज हम इसको घर में बनाएंगे, वो भी बिना ओवन के, तवे के ऊपर। तो कैसे ये इतना परफेक्ट नान बना है, चलिए भाई रेसिपी देखते हैं। अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास में 2 कप मैदा, मैदे को मैंने पहले से छान लिया है। इसके अंदर डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। ये नान ज़्यादा मीठा नहीं होता है, बहुत ही लाइट मीठा होता है, तो ज़्यादा शुगर की रिक्वायर्ड नहीं है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये ऑप्शनल है तो ऐड कर दीजिए, अदरवाइज आप ना बॉटल ख़रीदने मत चले जाइएगा, घर में हो तो डाल दीजिए। यहाँ पर है मेरे पास में ये देखिए दोस्तों फ्रेश ईस्ट, ये अगर आपको इजीली अवेलेबल है तो ये ले लीजिए, नहीं है तो आप एक्टिव ड्राई ईस्ट या फिर इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है 6 ग्राम, अगर आप ड्राई ईस्ट ले रहे हैं तो ये स्पून से आपको लेना होगा 1 टीस्पून। नीचे मैंने मेजरमेंट लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि ये इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी। ये ईस्ट जो है ना ऐसा है कि इसको आपको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पानी डाल करके सिर्फ एक घोल तैयार कर रही हूँ ताकि मुझे आटे में इनको मिक्स करने में आसानी हो। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी डाल देती लेकिन मुझे ज़रा ऐसे कन्वीनियंट फील होता है, इसलिए मैं इसको पानी से थोड़ा सा लूज़ कर लेती हूँ। तो ये हमारा देखिए बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में रेडी हो गया है। मैदे के अंदर दोस्तों मैंने पहले से ही 1 टीस्पून नमक डाल करके मैदे को छाना था, इसलिए मैंने अभी नमक नहीं डाला है, मैंने छानते वक्त ही डाल दिया था, ठीक है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, इससे नान का टेक्सचर बहुत अच्छा आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपके पास घर में मिल्क पाउडर है तो 2 टेबलस्पून ऐड कर दीजिए, नान का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। कमर्शियल जो नान बनती है ना मिल्क वाली, वो अलग बनती है, लेकिन ये वाले जो नान है ना ये लोग ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन मैं आज इसको जो है दूध के साथ गूंदूंगी क्योंकि मेरे पास में मिल्क पाउडर नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कप ल्यूक वार्म मिल्क, यानी कि हल्का सा गर्म दूध लिया है मैंने 1 कप। दूध से आप डो बनाएंगे तो नान का टेस्ट जो है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आएगा, जितना माल पानी डालिएगा भाई उतनी चीज़ अच्छी बनेगी। तो दूध से डालना गूंदना है तो दूध से गूंद लीजिए, नहीं तो आप पानी से भी गूंद सकते हैं। तो अब हम इसको जो है ना एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे, तो पूरा ही इसके अंदर दूध मुझे लगता है चला जाने वाला है। तो पूरा हमने डाल दिया और हम फटाफट से यहाँ पर हम मिक्स करके ले लेते हैं इसको। डो हमारा बस यहाँ पर मिक्स हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं इसको ले लूँगी अपने कुकिंग काउंटर के ऊपर। उसको हम पहले से साफ़ कर लेंगे, उसके बाद में वहाँ पर थोड़ा सा मैदा इस तरह से स्प्रिंकल करके हमने ये देखिए पूरा डो हमने यहाँ ले लिया है, क्योंकि अब होगी इसकी यहाँ पर मसाज, यानी कि अच्छे से आपको इनको रब करना होगा। उससे पहले मैं यहाँ पर डालूंगी 1 टेबलस्पून ये बटर, बटर हल्का सा सॉफ्ट होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि डो बहुत ज़्यादा स्टिकी है, बहुत ज़्यादा चिपक रहा है मेरे हाथों में। अब ये हम क्या करेंगे, बटर को खूब अच्छे से इसके अंदर मिला लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, ये चिपकना बंद होगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हाथों में बहुत ज़्यादा लग रहा है तो मैं इनको ना पहले हाथों को साफ़ कर लेती हूँ, तो उससे क्या होगा कि हमको इनको रब करने में आसानी होगी। तो आप किसी भी चीज़ से इस तरीके से छुड़ा लीजिए अपने हाथों में से, और उसके बाद में इसके ऊपर बहुत ही ज़रा सा स्प्रिंकल करेंगे सूखा मैदा, और उसके बाद में अब रब करेंगे। और थोड़ा टाइम तक आपको इस तरीके से इनकी मसाज करना होगा। प्लेटफॉर्म पे जो भी ये लगा हुआ है ना मैदा वेस्ट हो रहा है, इसको भी हम अपने डो के अंदर ले लेते हैं और अब हम इसको जो है फटाफट रब करके रेडी कर लेते हैं। अब ये डो बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बहुत ही स्मूथ डो हमारा रेडी हो गया है। अब हम फटाफट से इसका एक बॉल बना देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट डो रेडी हुआ है। अब हम इसको रखेंगे एक बाउल में, तो बाउल को हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से, ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है, ग्रीस नहीं करेंगे तो ये चिपक जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम इसके अंदर ये डो रख देते हैं, ऊपर से भी थोड़ा ऑयल लगा देंगे। मैं ऊपर से एक क्लिंग रैप लगा रही हूँ, क्लिंग रैप नहीं है तो आप कोई भी प्लेट या ढक्कन से इसको कवर करके यहीं पर छोड़ देते हैं 1 घंटे के लिए, या तो फिर जब तक ये साइज़ में डबल ना हो जाए फूलकर। तो 1 घंटा हो चुका है दोस्तों, 1 घंटे में बिल्कुल परफेक्ट हमारा डो जो है ना वो रेडी हो गया है। आजकल गर्मी भी बहुत है मुंबई में, तो ये 1 घंटे में बहुत ही अच्छा हो गया है। आप इसकी जाल देखिए कितना परफेक्ट डो रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे,
पंच डाउन करेंगे, यानी कि इसकी जितनी एयर है ना, ये जो फूल गया है इसको हम ऐसे भैया मार के पिचका देते हैं। यहाँ पे अभी हमें एयर की ज़रूरत नहीं है, तो इस तरीके से हमने इनको फोल्ड कर दिया है। और हमने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड पर थोड़ा सा सूखा मैदा डाला और ये डो को हमने दबा दबा करके पूरी एयर निकाल दिया है। 20 से दो पोर्शन में हम इनको डिवाइड करेंगे, दो नान जो है इतने में परफेक्ट होगी। अच्छा, मैं इसको पकाऊंगी कैसे हम पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको रोल आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी पतीली लिया है, ये नॉन स्टिक की पतीली थी किसी ज़माने में, मतलब ख़राब हो गई है, ये देख रहे हैं। इसमें मैं कुकिंग नहीं करती हूँ, लेकिन मैंने इसको फेंका भी नहीं है, यानी कि मैंने इसको बेचा भी नहीं ले जा करके। आप लोगों के लिए मैंने इसको रखा है कि इसमें मैं बिना ओवन के कोई भी चीज़ आप लोगों को बनाकर दिखा सकूं। तो इसको हम प्री हीट करने के लिए रख देते हैं साइड में हाई फ्लेम पर। ये है हमारा लोहे का तवा, आपको लोखन का ही तवा लेना है, नॉन स्टिक का नहीं लेना है। कोई सा भी तवा आपके घर में लोहे का है आप वही ले लीजिए और इसको रख दीजिए मीडियम की फ्लेम पर गर्म होने के लिए। तो दोनों चीज़ों को हमने रख दिया है दोस्तों गर्म होने के लिए। अब आ जाते हैं हम डो की तरफ। एक को हमने रख दिया है बाउल के अंदर ढक करके, और एक पोर्शन जो हमारा था इसको हम रोल आउट करेंगे। हल्का सा मैदा छिड़क करके हम इसको जो है ना वो बेल लेते हैं। इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना है और ना ही पतली रखना है। तो इस तरीके से हमें इनको बेल करके रेडी कर लेना है। ये देखिए, कहीं पर अगर थोड़ा मोटा लग रहा है तो हाथों से आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ मोटा है, तो वहाँ पर एक बार बेलन और ऐसे हम घुमा लेंगे। बस ये बिल्कुल परफेक्ट है। एक बाउल है ये मेरे पास में, यहाँ पर हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे। हमें इनको कट नहीं करना है, बस हल्का सा प्रेस करना है एक निशान लाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरीके से एक निशान आ चुका है हमारे इस रोटी के ऊपर, बन के ऊपर। और अब हम इसको थोड़ा और डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्क्रैपर का। आप कोई और चीज़, ढक्कन ले सकते हैं, कोई करछी ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, यानी कि जो स्पैचुला होता है ना घर में, पलटा जिसको बोलते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके का हमने स्क्वायर स्क्वायर शेप दे लिया है। और हमने तवा रख दिया है, गर्म हो रहा है तवा। और यहाँ पर हमने लिया है बाउल में दूध, इसके अंदर हम डाल देंगे शुगर। ये हम बन के ऊपर लगाएंगे, इससे कलर अच्छा आएगा, शुगर डालने से कलर ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम इसको पलट देते हैं, पलटेंगे इसलिए ताकि ऊपर हम पानी लगा दें। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो ये तवे में चिपकेगा नहीं। अच्छा, इनको पलटने से ना थोड़ा सा रोटी बड़ी हो जाती है हाथों से जब आप पलटते हैं। जब हम ओवन में बनाते हैं तो हम इसको डायरेक्ट रखते हैं उसके ऊपर बेकिंग ट्रे पर, तो फिर ये बड़ा नहीं होता, ये उठाने से थोड़ा बड़ा हो जाता है। अभी ये थोड़ा और बड़ा होगा क्योंकि मैं ले आ रही तवे पर, तो देखिए थोड़ा सा और बड़ा हो गया है। अब हम इनको थोड़ा सेट होने देते हैं। देखिए साइडों से धुएँ निकल रहे हैं हमारे तवे पर से। अभी ये हम ब्रश कर देंगे दूध का, जो है ना ये ऐसे दूध और शुगर आपको लगा देना है। अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर प्योर वेज में ये चीज़ बनाया है ताकि वेजिटेरियन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये देखिए जी, इधर हम थोड़ा सा डाल देते हैं इसके ऊपर सेसमे सीड, यानी कि काली और सफ़ेद तेल, बिल्कुल जैसे बेकरी में नान बनता है बिल्कुल वैसा ही हम बना रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा सेट हो चुका है। और यहाँ पर पतीली जो है ना एकदम अच्छे से गर्म हो गई, अंदर से हीट निकल रही। ये तवा ऐसे हम इसके ऊपर पलट करके रख देंगे 5 मिनट। इनको बिल्कुल खोलना नहीं है, खोल खोल करके ना झांक झांक करके बार बार देखिएगा, देखने मत लग जाइएगा। मैंने एक बार ही सिर्फ देखा है दोस्तों। और ये हल्की हल्की लाल होना शुरू हुई है अभी 5 मिनट में। यहाँ पर ये दूसरी वाली रोटी है, मैंने थोड़ी सी छोटी बेला है। छोटी क्यों बेला है वो मैं आपको दिखाऊंगी, रीज़न क्या है। आप छोटी ही बेलिएगा, बड़ी मत बेलिएगा, मैं आगे आपको बताती हूँ क्यों। रेडी हो गई है, अब हम चलते हैं नान की तरफ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बड़ी होने की वजह से, ये देख रहे हैं आप कॉर्नर पर ये जो ब्लैक हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि जब मैंने इनको पलटा ना तो ये यहाँ पर पतीली में चिपक गए, क्योंकि नान जो है वो थोड़ा सा दो बार उठाने में बड़ी हो गई थी, तो इसलिए वो वहाँ जाकर के चिपक गई थी। इसलिए मैंने कहा आपको दूसरी वाली नान को थोड़ा सा छोटी बेलिएगा, क्योंकि हम उसको भी पलटेंगे एक बार पानी लगाने के लिए, दूसरी बार तवे पर डालने के लिए, तो वो फिर थोड़ा बड़ी हो जाएगी। तो ये देख रहे हैं आप, ये चिपक गई है क्योंकि हम जब पलट रहे हैं तो हमें नीचे दिख नहीं रहा ना कि वो किस तरफ जा रही है। तो तवे से हमने छुड़ा लिया है और दूसरी वाली भी नान हम रेडी करके हमने तवे पर डाल दिया है। सेम इसको भी हम वैसे ही पका लेंगे। तो ये पहले वाले जो नान है हमारी, इसके जो साइडों में ये काला काला था ना, ये देखिए ये हमने पिज़्ज़ा कटर से काट करके निकाल दिया है। मैं चाहती तो ये रिमूव करके फिर आपको दिखाती, लेकिन ऑनेस्ट रहना ज़्यादा बेस्ट होता है, तो इसलिए मैंने आपको वो जो है बताया कि आप छोटी रखिए। तो ये दूसरी वाली भी हमारी एकदम परफेक्ट देखिए रेडी हो चुकी है।
इसके ऊपर भी हम घी लगा देंगे गरम गरम पे। घी लगाने से दो फायदा होगा, एक तो इसके अंदर चमक आ जाएगी, देख रहे हैं आप, और दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। पीछे से भी आप देख लीजिए, अब हम इसको ऐसे ही पलट देंगे, ऊपर वाला नीचे करेंगे, और 5 मिनट के लिए ना गरम गरम हम कवर करके छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गया है, ये देखिए गरम, आप जब कवर करेंगे कपड़े से तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। तो दिख रही ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और डिलीशियस। ये थोड़ी सी पतली होगी अगर आप तवे पे बनाएंगे, अमन में बनाएंगे तो थोड़ा मोटी होगी, क्योंकि हम अमन खोल कर देखते नहीं हैं, यहाँ पर हमने एक दो बार खोल करके देखा है, उससे एयर रिलीज़ होती है, इसलिए ये थोड़ी सी पतली बनेगी। तो नीचे वाली आप हमारी नान देखिए, छोटी है ऊपर, सॉरी ऊपर वाली छोटी है, नीचे वाली बड़ी जो पहले वाली थी। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो ये देखिए नान देख रहे हैं आप, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुई है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट्स प्लीज़ करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। कल मैं फिर आऊँगी नई रेसिपी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।